हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आलू मटर की सब्जी मैंने किस तरीके से बनाई है। वैसे तो अक्सर हर किसी के घर में आलू मटर की सब्जी बनती होगी, मैंने इस तरीके से बनाई है। अगर आप चाहे तो इस तरीके को अपना सकते हैं। ये काफ़ी अलग और अच्छा तरीका है आलू मटर की सब्जी बनाने का। लेकिन दोस्तों, रेसिपी बताने से पहले आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले ली है एक कढ़ाई, और उसके बाद मैंने गैस को कर दिया है ऑन। उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच के लगभग डाल दिया है सरसों का तेल। अगर आप चाहे तो रिफाइंड या फिर ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल अब मैंने थोड़ी सी देर गर्म होने के लिए रखा है। सरसों का तेल अब गर्म हो चुका है, इसीलिए मैंने इसमें सबसे पहले जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद में जीरा को थोड़ा सा मैंने ब्राउन कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 2 कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, वो भी मीडियम साइज़ के। आप भी इसी तरीके से कट कर सकते हैं। मैंने छोटे साइज़ में इसको कट कर लिया है। उसके बाद मैंने 1 हरी मिर्ची इसमें डाल दी है, और मैंने थोड़ा सा ऐड किया है इसमें लहसुन। जी हाँ, ज़्यादा मात्रा में लहसुन ऐड ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैंने थोड़े से कद्दूकस करके इसमें अदरक भी डाल लिए हैं। लहसुन और अदरक से थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर हो जाता है आलू मटर की सब्जी में। अब मैंने सारे मिश्रण को अच्छे से घुमाना शुरू कर दिया है, और थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए रख दिया है। इसे मीडियम आंच पर पका ले। ध्यान रखें कि इसमें करछी घुमाते रहे, नहीं तो ये चिपकना शुरू हो जाएगा। मैंने भी कुछ इसी तरीके से इसमें करछी घुमा लिया है, ताकि ये कहीं से चिपके नहीं और ना ही ये जलना शुरू हो। अब आप देख सकते हैं कि कैसे प्याज हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, और मैंने अब ले लिया है 2 टमाटर पीसे हुए। आप भी इसी तरीके से मोटे मोटे प्याज को ग्राइंडर कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने प्याज में टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मुझे अब इसमें चलानी है अच्छे से करछी। जी हाँ, मैंने फिर से करछी को घुमाना शुरू कर दिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें मसाले मिलाना शुरू कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले इसमें हल्दी डाल दी है 1/2 चम्मच के लगभग, और 1/2 चम्मच के लगभग मैंने डाल दिया है इसमें नमक। आप नमक अपने स्वादानुसार भी डाल सकते हैं। उसके बाद भरा हुआ मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया है। धनिया पाउडर मुझे काफ़ी पसंद है, और थोड़ी सी मैंने डाल दी है इसमें लाल मिर्ची। लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें मिला दिया है चाट मसाला। चाट मसाला आलू में काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है। और उसके बाद मैंने इसमें फिर से करछी से घुमाना शुरू कर दिया है, ताकि सारे मसाले प्याज टमाटर के साथ अच्छे से भुन सके। और मैं कंटिन्यूसली अब करछी को घुमा रही हूँ मसालों के अंदर, ताकि कहीं से भी कोई भी मसाला चिपके नहीं। अब मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करने जा रही हूँ। पानी मैंने इसीलिए मिलाया है ताकि जो मसाले हैं वो गाढ़े ना रहे, थोड़े से लिक्विड हो जाए और अच्छे से भुन सके। इसके बाद मैंने इसमें फिर से करछी चलाना शुरू कर दिया है। करछी घुमाने के बाद में अब हम इसके ऊपर रखेंगे एक प्लेट। जी हाँ, हमें इसके ऊपर प्लेट रखनी है, ताकि हमारे जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और टमाटर प्याज अच्छे से और ज़्यादा गल सके। हमें कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसे ऊपर रखने देना है, ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। उसके बाद हमें प्लेट हटाकर देखनी है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसके बाद हमें इसमें करछी घुमानी है। अब जब हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ आलू। आलू मैंने मीडियम साइज़ के 4 से 5 कट कर लिए हैं। आप भी इसी तरीके से मीडियम साइज़ के आलू कट कर सकते हैं। और सारे आलू मैंने अब इस मिश्रण में ऐड कर दिए हैं, और इसके बाद मैंने इसमें अच्छे से करछी घुमाना भी शुरू कर दिया है। मैंने सारे मसालों को आलू में अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद अब
अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ मिर्ची। जी हाँ, मैंने एक कटी हुई मिर्ची ले ली है और उसके चार हिस्से कर दिए हैं ताकि जो मिर्ची की जो कड़कपन है वो हट जाए और चार टुकड़ों में होने के बाद जो स्पाइसी बन है मिर्ची का वो थोड़ा कम हो जाता है। और उसके बाद मैंने एक गिलास के लगभग इसमें पानी ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा कम पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से एक गिलास के लगभग इसमें पानी ऐड कर दिया है और एक बार फिर से मैंने करछी घुमाकर इसे ढक दिया है। हमने पहले मटर इसमें इसीलिए ऐड नहीं करी क्योंकि कंपेयर टू मटर आलू जल्दी नहीं पकते हैं और मटर थोड़ी जल्दी पक जाती है, इसीलिए हमने पहले आलू को पका लिया है। इसके बाद हमने 4 से 5 मिनट तक रखने के बाद एक बार फिर से प्लेट हटानी है और हमें देखना है कि क्या हमारे जो आलू है वो आधे पके हो गए हैं। इसीलिए हमें करछी घुमानी है और करछी घुमाने के बाद में हमें चेक कर लेना है, एक चाकू या फिर किसी भी चीज़ से आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके जो आलू है वो पक चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो आलू है वो आधे से ज़्यादा पक चुके हैं। अब हमें एक कटोरी के लगभग इसमें ऐड कर देनी है मटर। जी हाँ, मैंने एक कटोरी के लगभग इसमें मटर ऐड कर दी है और इसके बाद फिर से मैंने इसमें करछी घुमाना शुरू कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें फिर से पानी ऐड करने जा रही हूँ, वो भी आधा गिलास के लगभग। अगर आप चाहे तो ग्रेवी वाली बना सकते हैं। अगर आपको आलू की सब्जी में थोड़ा कम पानी पसंद है तो आप इसमें कम पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हमें इसे ढक देना है, वो भी 5 से 10 मिनट के बीच में मीडियम आंच पर, और एक बार फिर से आपको चेक कर लेना है। वैसे आप बीच बीच में भी चेक कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कहीं आपकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी और कहीं ज़्यादा पतली तो नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी जो आलू मटर की सब्जी है वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। हमें एक बार फिर से चेक कर लेना है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कि हमारे जो आलू मटर है वो अच्छे से गल चुके हैं, यानी कि हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है देसी घी। जी हाँ, हमें देसी घी ऐड करना है। अगर आप चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि जो देसी घी का फ्लेवर सब्जी में आएगा गर्मा गर्म सब्जी में वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं कुछ धनिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आलू मटर की रेसिपी। वैसे दोस्तों, आपको कैसी लगी ये रेसिपी प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप और कौन कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं जो कि हम आपके लिए लेकर आए। और साथ ही दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।